हेलो गाइस, वेलकम टू माय फ्रेश न्यू वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआरवी डीजीपी। तो आज का जो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो थोड़ा लाइफ रिलेटेड है, वो थोड़ा बाइकिंग मोटो व्लॉगिंग रिलेटेड नहीं है। देखो, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो या नए व्यूअर्स हो तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल में तीन टाइप का वीडियोज़ कॉन्टेंट आएगा। एक है व्लॉगिंग, जिसमें मोटो व्लॉगिंग लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग दोनों होगा। एक होगा राइड रिलेटेड, चाहे स्ट्रीट रेस हो या लॉन्ग ट्रिप हो, दोनों होगा, ट्रैवलिंग होगा। और एक जो कॉन्टेंट है वो है आपका, ये क्या बोलता है आपका, है मोटिवेशनल कोर्स या मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस बनाने का कोशिश करूँगा, जिससे जो मैं अपना लाइफ में फेस करता हूँ ना वो आप लोग लाइफ में फेस ना करो। मेरा देखो एम एक ही है मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का, मेरा मोटो एक ही है मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का, वो है कि अगर मैं किसी एक बंदा का लाइफ चेंज कर सकूँ ना, या मेरा अगर कोई एक बंदा मेरा वीडियोस देख के अपना लाइफ में इंस्पायर होकर कुछ चेंज कर सके ना, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो ठीक है, तो चलो आज को जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है डिप्रेशन। जैसा कि आपको सभी को पता है या सबको अच्छा से ही फैमिलियर होंगे कि डिप्रेशन क्या है। तो फाइनली भाई, डिप्रेशन एक वो बीमारी है, अगर जिसको हो जाता है ना, जो बंदा को हो जाएगा या जो इंसान को हो जाएगा वो पूरा ही फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन भाई बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मुझे ही डिप्रेशन हो गया था कुछ दिन पहले, तो फाइनली मैंने बहुत मुश्किल से रिकवर किया है। अरे यार, बम्पर आ गया। और पहले ही मैं बता दूं, जो लोग दुर्गापुर से मेरा वीडियोस देख रहे हो, ये वाला मौलानदी की सनाका वाला रोड है, क्योंकि ये रोड बहुत ही अच्छा है, सीनिक व्यू भी है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा मोटो ब्लॉग करने आ जाता हूँ। तो सुनो, और एक बात मैं बोल देता हूँ कि डिप्रेशन भाई है ही बहुत खतरनाक चीज़, ठीक है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको कुछ ना कुछ उपाय खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कोई किसी का डिप्रेशन कम नहीं करता, ऑलवेज रिमेंबर दैट, नो वन एल्स विल मेक योर डिप्रेशन डाउन, यू योरसेल्फ ओनली कैन डू। इफ़ यू योरसेल्फ कैन नॉट डू, देन नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन डू अ फेवर फॉर यू। जब एक इंसान खुद अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाएगा तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा कि दूसरा इंसान उसके लिए खड़ा होगा? कभी नहीं, हरगिज नहीं होगा भाई, यही रियलिटी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो फाइनली बस वाला साइड कब देगा ब्रो? चलो यहाँ पे बम्पर को टपाते हुए टपाते हुए फाइनली ओवरटेक करते हुए सामने आ चुके हैं। और देखो, मैं एक बात बोलूँगा, डिप्रेशन से बचने का एक बहुत ही सटीक या बोलो तो बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है कि जो चीज़ करने में मन लगे वही चीज़ करो। जैसा कि फॉर एग्जांपल, आई एम एन बाइकर, पहले मेरा एग्जांपल सुन लो फिर आप लोग कुछ कमेंट करना। तो फॉर एग्जांपल, आई एम एन बाइकर, ठीक है। तो मुझे जब भी डिप्रेशन होता है या कोई भी इंसान को जब डिप्रेशन होता है तो उसको वही चीज़ करना चाहिए जो चीज़ उसको करने में मज़ा आए, ठीक है। जैसे मैं बाइकर हूँ तो मुझे अपना बाइक से बहुत प्यार है, तो जैसे मुझे डिप्रेशन होता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा घर का बगल में ही रास्ता है सनका वाला, आप सीनरी देख रहे हो, क्या मस्त सीनरी है। देखो चारों, देखो पैरेलली रोड के साथ दोनों तरफ ट्रीज जा रहा है एकदम एक ही लेंथ के साथ, तो एकदम कितना अच्छा व्यू है, रोड भी कितना मस्त है। तो हम जैसे बाइकर्स के लिए यही तो जन्नत है ब्रो। जब लाइफ में अगर डिप्रेशन हो जाता है हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं यही करता हूँ, ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपियर। मैं यही करता हूँ कि ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपियर। मैं यही करता हूँ, एक बार गियर को पूरा भगा लेता हूँ बाइक को, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो मैं ये चीज़ करता हूँ, हम लोग बाइकर्स का यही चीज़ है, जो चीज़ करने में पसंद है वो चीज़ करोगे तो डिप्रेशन नहीं रहेगा। और एक मैं बात बोलूँगा, लाइफ में जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो, उतना ही फ़ायदा है। लाइफ में जितना ज़्यादा अपने आप को खाली रखोगे, दूसरों के लिए टाइम दोगे, उतना ही डिप्रेशन आपको आएगा। पॉइंट कर लो ये बात, जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखोगे उतना ही डिप्रेशन नहीं आएगा। तो जैसे मैं बाइकर हूँ तो मुझे बाइक चलाने को मिल जाए या बाइक थोड़ा सा भगाने को मिल जाए, थोड़ा सा एक शॉर्ट राइड हो जाए अच्छा सीनरी व्यू के साथ, ब्यूटीफुल व्यू के साथ, तो यही मेरे लिए जन्नत है ब्रो। इसी से मैं अपना डिप्रेशन को दूर कर लेता हूँ। तो यही सब बात है। और देखो, जैसे कोई बाइकर नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान है, तो पहले उसको इंसान को देखना पड़ेगा कि किस चीज़ क्या क्या चीज़ नहीं करने से मुझे डिप्रेशन नहीं होगा। वो सब तो करने, जैसे मान लो कोई इंसान को डांसर बनना है, ठीक है, तो वो डांस वीडियोस करे, डांस वीडियोस बनाए, तो उसको डिप्रेशन नहीं होगा। किसी को कुकिंग करना है, जिसको जो चीज़ करने में अच्छा लगता है वो करो। जैसे कोई इंसान को अपना लव्ड वन से बात करने में अच्छा लगा तो पापा मम्मी से बात करो। किसी कोई बॉयफ्रेंड है, अगर उसका गर्लफ्रेंड टूट गया है तो उसे गर्लफ्रेंड से क्लियरली बात करो, बट अपसेट मत रहो ब्रो। डिप्रेशन इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजीज फॉर ह्यूमन बींग एंड इट इज़ कम्प्लीटली डेंजरस, कम्प्लीटली डेंजरस। तो यही बात बोलूँगा, देखो आपको पता नहीं ये वीडियो कितना अच्छा लगा है, बट फाइनली मेरा जो ओपिनियन था मैंने वो आप लोगों को बोला है। डिप्रेशन अगर होता है तो जितना जल्दी हो सके उसको
छुटकारा पाने के लिए आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर देगा। ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट दैट नो वन एल्स विल डू एनीथिंग फॉर यू, इफ यू योर सेल्फ कैन नॉट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ देन नो वन एल्स गोना डू एनीथिंग फॉर यू। तो चलो आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मैंने फाइनली यही सोच के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि अगर डिप्रेशन से कोई इंसान या कोई बंदा जूझ रहा है तो फाइनली उसको ये वीडियो देख के हेल्प होगा। कि जैसे हम जैसे बाइकर्स हैं तो हम बाइकर्स अपना बाइक को चला के राइड करके सीनरिक व्यू को एंजॉय करके अपना डिप्रेशन दूर करते हैं, वैसे ही हर एक इंसान को देखना होगा कि वो क्या चीज़ करके वो डिप्रेशन से दूर जा सकता है। ठीक है, कोई इंसान आइसक्रीम खा के जा सकता है, कोई इंसान चॉकलेट खा के भी जा सकता है, होता है ना कि स्वीटनेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस मैन। कोई इंसान को खाना खा के डिप्रेशन दूर लग सकता है, वो डिपेंड करता है अरे आ गया एक मस्त सेक्सी सा टर्न नी डाउन करते हुए। जैसे मेरे को आज को हल्का हल्का डिप्रेशन लग रहा था दो तीन से, तो मैं थोड़ा इसको बाइक चलाया तो थोड़ा फ्रेश लग रहा है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया, मज़ा आया, अच्छा लगा। तो फाइनली यही बोलूँगा गाइज, चलो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, अगर आप लोगों को लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को डिप्रेशन होता है तो प्लीज़ डिप्रेशन से दूर मत भागो, उसे उसका हल निकालो, उसका आंसर निकालो कि कैसे वो ख़त्म हो सकता है। तो चलो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, थोड़ा सेव कर लेते हैं, लास्ट में एक तो ब्लॉग ख़त्म करने का वीडियो कर लेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरा डिप्रेशन रिलेटेड वाला वीडियोस आज को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने एक मोटो ब्लॉगिंग स्टाइल पे मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का ट्राई किया है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटो और एक ही एम इन लाइफ है कि ताकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने जो सिचुएशन फेस किया है उस सिचुएशंस को अगर मैं बोल पा रहा हूँ, अगर कोई इंसान का लाइफ चेंज हो पा रहा है मेरे लिए, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। जैसा कि देख सकते हो मैं सनका वाला जंगल पर वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, क्या करूँ भाई, पीछे देखो मेरा बाइक लाइट खड़ा है और चारों तरफ देखो कितना मस्त व्यू है। तो चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का वीडियोस का नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।